एक विशाल काय नाला माता गंगा में जाकर मिलता है और आज तक किसी भी आला अधिकारी ने सुध नहीं ली। इस समय गाजीपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बहुत ही भयानक, दर्दनाक और रुलाने वाली तस्वीर। अरबों खरबों रुपए कहाँ चले जाते हैं। अगर नीचे मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा बैठकर, तो भैया यहीं पे हैं, एक विकराल भयंकर नाला, और बगल में आप देखें तो डीएम साहब विराजमान रहते हैं, और ये नाला यही गुजरता है हमारी माता गंगा में, जिनके जल से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन इन अधिकारियों के पाप माता कब धोएंगी। ये डरते नहीं, ये माता से डरते नहीं। मैं चाहूँगा जो भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, ठीक बगल में अगर आप देखिए, जो मेरे सहयोगी कैमरामैन है वीर अब्दुल हमीद सेतु आपको दिख रहा है, जो कि लगभग यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पे, यह कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके साथ ही मैं देखूं तो ये मिट्टी है, मिट्टी के आगे रेत है, और रेत के थोड़ा सा आगे माता गंगा। लगातार यहाँ से ये तस्वीर, ये वीडियो रुलाने वाला है। मैं चाहूँगा आखिर कब तक, जो माता को ये लोग कहते हैं कि माता गंगा हमारी साफ है, जो माता की दुहाई देते हैं कि हमारी माता गंगा इस समय स्वच्छ हो गई हैं, बड़े बड़े मशीनें, बड़े बड़े आधुनिक मशीनें लगातार आप देखते हैं लगी होती हैं, लेकिन कब तक, आखिर कब तक, किसकी गलती है। जिन गलतियों पे लोग पर्दा डाल रहे हैं, आज गाजीपुर की ये तस्वीर, मैं भयानक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बगल में देखें तो नाला इतना दर्दनाक और कई किलोमीटर तक फैला है। मैं चाहूँगा भारत की सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। आखिर हमने अपनी माता को कहाँ साफ किया, कहाँ सुंदर बनाया अपनी माता को। बगल में आप देखें तो गाजीपुर के डीएम साहब का बंगला है, और ऐसा नहीं है कि गाजीपुर के डीएम साहब देखते नहीं होंगे। लोग बता रहे थे कि भैया लखनऊ से टीमें आती हैं, हर साल टीमें आती हैं, और क्या जांच करती हैं, किसी के बस का नहीं, वो रिपोर्ट क्या तैयार करते हैं, और फिर स्थितियां जस की तस बनी हुई है। आखिर इन अधिकारियों को शर्म क्यों नहीं आते, कब तक। मैं सुशील तिवारी अपने सहयोगी कृष्ण कुमार मिश्रा जी के साथ ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। गाजीपुर की ये तस्वीर है, लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है, ठीक बगल में वाराणसी, जहाँ से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री हर रोज़ यहाँ पर आते हैं। 70 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कहाँ तक हमने साफ किया, उन अधिकारियों से मैं चाहूँगा। यहाँ पे जब आएंगे तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या सही है क्या गलत है, आप देख रहे हैं। मैं सुशील तिवारी, भारत की स्वतंत्र आवाज, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये नाला लगातार यही हाल है, जो कि अपनी दुर्दशा और बेबसी पे आज माता रो रही है। मेरे वीडियो को देखें और शेयर करें। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्रेम और दुलार बनाए रखें।